और आप देख रहे हैं सुरागी राज न्यूज़ चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। रुद्रपुर में ई समाधान चौपाल कार्यक्रम से समस्याओं का होगा निस्तारण। जसपुर में भाजपा की प्रभात फेरी। खटीमा में सीएम धामी की तिरंगा यात्रा। रुद्रपुर में यूथ कांग्रेस करेगी आरएसएस कार्यालयों में तिरंगा भेद। अल्मोड़ा में चितई मंदिर के पास तीन शेर के नीचे मिला वृद्ध का शव, जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी ने जिले में अभिनव पहल की शुरुआत कर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को लेकर प्रशासन द्वारा जनता के साथ ई समाधान चौपाल लगाने की बात कही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? एक गांव सूरतपुर तहसील जसपुर का कनेक्ट किया, उसमें करीबन 30 समस्याएं लोगों ने रखी। तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट ये होगा कि बिना पैसे खर्च किए व्यक्ति की समस्याएं विभाग तक पहुंच जाए। हम कोशिश करेंगे कि हम हर हफ्ते कम से कम 2 या 3 गांवों से जुड़ें और उसके बाद जैसे जैसे समय मिलता जाएगा हम इसको आगे को स्केल अप भी करेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। आप लोगों को करीब लाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने जिस घर में तिरंगा नहीं उन पर भरोसा नहीं बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद किसी जाति धर्म के लिए नहीं था, बल्कि उनका मकसद यह था कि जब देश के अंदर राष्ट्र का उत्सव होता है तो उसमें हर किसी की भागीदारी होनी चाहिए। मैं अभी जागरण का कार्यक्रम था, कल से आपको दिखाई देगा हर घर में लगी। मैंने जो आह्वान किया, मैंने ये कहा कि हमने जो कांग्रेस की तिरंगा यात्रा है हमने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि जो भी इस समय कार्यक्रम होगा सब भाव से होंगे। लेकिन मैंने साथ में यह अपील की कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके घरों में तिरंगा लगे। आखिरकार तिरंगे का जो अपमान करने वाले तो कांग्रेस रही ना। जब लाल चौक पर तिरंगा लहराने अपने डॉक्टर साहब डॉक्टर मुरलीमोहन जोशी गए तो उनको गिरफ्तार किया गया। उमा जी गई कर्नाटक में, उनको गिरफ्तार किया गया। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी कश्मीर को गिरफ्तार किया गया। अगर तिरंगा को लगाने वालों को गिरफ्तार करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। आज हम आह्वान कर रहे हैं, आज हम आह्वान कर रहे हैं कि इस अमृत महोत्सव में सब लोग अपने घरों में तिरंगा लाए और एक प्रकार से देश के अंदर राष्ट्रवाद का जो भाव है वो यहां भी जागृत हो। दूसरा मैंने विषय और बोला कि तिरंगे के आह्वान के पीछे मोदी जी का जो उद्देश्य है वो देश के अंदर के बारे में जो भ्रांतियां विदेशों में खासतौर पर हमारे पाकिस्तान बाकी देश है, देश के अंदर भी अब कल इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई है, देश के अंदर भी जो देश के प्रति ऐसी भाव रखते हैं ऐसी अफवाह उड़ाते हैं, देश एक नहीं है। आज सब पे अवसर है, सब पे अवसर है, देश को एक दिखाने का अवसर है और इसलिए 15 तारीख का जो स्वरूप होगा भव्य हो आप देख रहे हैं जिसका माहौल बना हुआ है। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रभात फेरी निकाली और भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ अमर शहीदों को याद किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए 75 साल स्वतंत्रता के हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को ये एक संदेश दिया है कि पूरे नगर में हर बूथ पर प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। उसी क्रम में आज जसपुर में प्रभात फेरी निकल रही है और इसके माध्यम से एक लोगों के अंदर देश भाव के प्रति भावना, उनको याद दिलाना कि हमारे कितने शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, हमें देश की आज़ादी मिली और देश की आज़ादी का क्या महत्व है ये बताने का प्रयास इस प्रभात फेरी के माध्यम से होगा। काशीपुर में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो किला मोहल्ला से मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर समाप्त हुई। इस दौरान सभी को हर घर पर तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। बता दिया है लेकिन हम लोगों को जो है ऊपर लीडरशिप से ये सेक्शन लाई है, ये जो भी प्रोग्राम है ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, एक नेशनल प्रोग्राम है। इसमें हम लोगों को ये नहीं देखना है कौन किस पार्टी को बिलोंग करता है किसको, हम लोगों ने हर घर के ऊपर तिरंगा लगवाना है और हमारे कार्यकर्ता जो है हर घर पर जा रहे हैं और अगर वो
अपनी जेब से पैसे अगला नहीं दे पाता है तो अपनी जेब से भी पैसे तिरंगे लगवा रहे हैं और लोगों में बहुत सारा उत्साह दिखा। आज़ादी के इस 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव का आयोजन हमारी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़ा बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। हर घर तिरंगा, ये हमारा एक मकसद है। हर बच्चे बच्चे में, हर राष्ट्रवासी में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो, उस भावना के साथ आज प्रभात फेरी सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों तिरंगों के साथ निकाली गई और ये संदेश दिया गया कि जो वंदे मातरम के साथ, भारत माता की जय के साथ, कि जो आज़ादी की ललक, जो अलख हमारे क्रांतिकारियों ने जगाई थी, वो आज भी हमारे दिल में कायम है और सभी हम देशवासी आने वाले समय में अपनी आज़ादी को अक्षुण रखने के लिए अपना तन मन धन लगा देंगे। खटीमा पहुँचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल पर आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विपक्ष द्वारा समय समय पर दिए जा रहे बयान पर कहा कि विपक्ष हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति कर विभाजन करता आया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारी नई पीढ़ी इस अमृत काल में देश के नए सोपानों को तय करेगी। जो हमारा स्वर्णिम देश का भविष्य बनना है, जो हमारा देश समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में जिसकी हम कल्पना कर रहे थे, माननीय मोदी जी ने जिसको गढ़ने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको हम सब साकार करने के लिए संकल्प लेंगे और आगे चलेंगे और हर घर तिरंगा अभियान इसका एक पायदान होगा जहाँ से हम सब इसकी शुरुआत करें। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इन्होंने देश की आज़ादी से लेकर अब तक देश के साथ लगातार समझौतों पर समझौते किए हैं। पहली बार देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र से ओतप्रोत, राष्ट्र से प्रेम करने वाली सरकार है जो हर क्षेत्र में काम कर रही है और पिछले 8 सालों में देश के अंदर जो चहुमुखी विकास हुआ है, हर क्षेत्र का विकास हुआ है और गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएँ चलाई गई हैं, एक नया कार्य संस्कृति और वर्क कल्चर पूरे देश के अंदर पैदा हुआ है। इसलिए विपक्ष के पास कुछ नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने केवल तुष्टीकरण किया था, केवल वोटों के लिए राजनीति की थी। हमेशा जो भी काम किया वोटों के लिए काम किया, देश के साथ समझौतों पर समझौते किए, उसी का परिणाम है कि जहां हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन का कार्यक्रम बन गया है, जन जन का आंदोलन बन गया है, उसमें भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। और कथनी को अलग अलग बताते हुए आरोप लगाया है कि एक और भाजपा के नेता सभी लोगों से हर घर तिरंगा लगाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस अपने कार्यालयों में तिरंगा नहीं फहराते। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। की स्थापना की जहाँ भी कांग्रेस को मान दे रहा हूँ, जहाँ तक प्रचारक थे कि आज भारतीय जनता पार्टी तिरंगे के नाम पर राजनीति कर रही है, क्योंकि इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं घर घर तिरंगा। और सबसे पहली जगह अगर आप किसी शहर में देखेंगे जहां पर तिरंगा नहीं फहरा रहा होता है, तो वो आरएसएस के दफ्तर हैं। तो इसलिए हमने तय किया है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम एक डेलीगेशन के रूप में हमारे साथी, हमारे युवा कांग्रेस साथी जाएंगे और आरएसएस के दफ्तरों में जाकर तिरंगा भेंट करने का काम करेंगे। नवनियुक्त कुंडा थाना अध्यक्ष दिनेश सिंह फरतेयाल ने कुंडा थाना का चार्ज संभाला, जहां उन्होंने बताया कि बढ़ते सड़क हादसों सहित क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो है सभी लोग कानून का पालन करें और कानून का जो है सख्ती से जो है पालन कराया जाएगा लोगों से। अक्सर देखा जाता है कि जो है बगैर हेलमेट के लोग काफ़ी घूम रहे हैं, तो उनके विरुद्ध और जो सक्रिय किस्म के अपराधी हैं या जो पेशेवर अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये पूरे प्रदेश की एक मुहिम है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जाना है। इसी क्रम में जो है थाना कुंडा भी उसी में सम्मिलित है और जो भी अवैध शराब या अवैध इसमें चरस का जो धंधा करने वाले हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि अगर गैंगस्टर की जरूरत पड़ेगी तो गैंगस्टर में कार्रवाई करके उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। अल्मोड़ा में चितई मंदिर के पास टीन शेड के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुराही लाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।